हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। साइंस में हम काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन और उसके लॉ पढ़ चुके हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर और उसकी कुछ पार्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबके सामने एक फ्लावर और उसके सभी पार्ट्स को यहाँ मेंशन किया गया है। ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि फ्लावर के मेजर दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है मेल पार्ट, जिसे नेम किया जाता है स्टैमेन। एक कहलाया जाता है फीमेल पार्ट, जिसे कहा जाता है पिस्टिल और कार्पेल। दो नाम होते हैं इसके। इसके अलावा जो हम देखते हैं, हरे रंग की एक डंडी होती है फूल से लगी हुई, है ना, जो फूल को सपोर्ट देती है और पानी और खाने को ट्रांसफर करती है फ्लावर तक, वो कहलाती है पेडिसल। क्या कहलाती है? पेडिसल। और उस हरे रंग की डंडी के आसपास ये हरे रंग की पत्तियां होती है, वो कहलाती है सेपल, जो प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को, फूल को। कली जब तक नहीं खिलती है तब तक उसे प्रोटेक्ट करती है सेपल। के बाद फ्लावर्स के आसपास या फ्लावर्स के आसपास जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है फूल की, अलग अलग कलर्स में हम देखते हैं, वो कहलाई जाती है पेटल्स। पेटल्स अलग अलग शेप की होती हैं, साइज की होती हैं और कलर की होती है। अब मेजर रोल क्या होता है पेटल्स का? एक तो फूल बहुत सुंदर दिखता है उससे, और दूसरा पॉलिनेटर्स को वो अट्रैक्ट करती है। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो एंथर के ऊपर से पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स्ड ऑफ करते हैं या मूव करते हैं वहां से स्टिग्मा तक, उन्हें कहा जाता है पॉलिनेटर्स। शुरुआत करते हैं फीमेल पार्ट से। तो फीमेल पार्ट की सबसे टॉप में, यस, एक डनीसी होती है, उसके टॉप में जो पोर्शन होता है वो बहुत स्टिकी सा पोर्शन होता है। ये वो स्टिकी होता है ताकि वो पोलन ग्रेन को इजीली कैच कर ले। अब वो स्टिकी से पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। जो पतली सी डंडी होती है जिसमें से पोलन ग्रेन पास होता है, उसे कहा जाता है स्टाइल। स्टाइल से पास होने के बाद पोलन ग्रेन जाता कहां पर है? तो जो हम देखते हैं सेपल के पास ग्रीन कलर का एक हिस्सा होता है बीच में, उसमें होता है ओवरी। Yes, ये वो पार्ट है पिस्टल का जो किसे होल्ड करता है? एग को। Yes, और वो अवेट करता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। अब ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल में जो एग होते हैं वहां होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन किसका होता है? ओव्यूल का जो एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। Yes, ओव्यूल का जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन होता है एंथर के ऊपर प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स की मेल गैमेट से। एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो दो मेल गैमेट रिलीज करता है, एक ओव्यूल के एग के साथ कंबाइन होते हैं और फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं। जायगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। यस, वो सीड बनता है ना, और ओवरी फ्रूट बनती है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है, गैमेट यानी रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेल, वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अपना रोल प्ले करता है वो कहलाता है गैमेट। एक मेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाता है और दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है, जिसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिलामेंट और एंथर के बारे में। तो फिलामेंट जो होता है वो एंथर को सपोर्ट करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू एंथर। और एंथर क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर जिस जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आई ऑल्सो होप कि आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर का शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी. थैंक यू.